फैसला नहीं हो पाया, रोखड़ी की साना कहां से मिल जाए, नतीजा ये उम्र वहां महाराज। महाराज कहते हो, कहिए महाराज हमारे नजर में क्यों लिखा है, भीष्म को बोले तुम्हारी नजर में क्यों लिखा है, तुम बताते क्यों नहीं हो, कैसा घर है, कैसा परिवार है, कैसा खानदान है, बोलो। बोला महाराज बहन रुक्मणी की शादी द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में हो जाए तो कैसे रहेगी। जो भीष्म ने कन्हैया का नाम सुना एकदम करते उछल पड़े, बेटा तुमने तो हमारे मौत की बातें छीन ली, यही तो मेरा विचार था, हो गया फैसला। द्वारका में खबर भेज दी जाए तो कुंदनपुर नरेश महानंद भीष्म अपनी बेटी का रिश्ता लेके आ रहे हैं। ये बात तो पूरी नहीं हो पाई, तब तक उनका बड़ा मजा कार्यक्रम खड़ा हो गया। पिताजी किसका नाम सुनते ही ऐसे हो गए तुम, कन्हैया का नाम सुनते ही सुनते करके जो छल पड़े तुम, बल भर में गाय चलाता रहा, दही माखन को लूट लूट के खाता रहा, गोपियों के साथ में नाच नाचता रहा, और हम अपनी बहने का विवाह उस वाले के साथ में करेंगे नहीं, तो याद रखो। भीष्म बोले बेटा अभी शादी हो थोड़ी नहीं गई है, अभी तो बात ही चल रही है, अगर तुम्हारी देर में नहीं लिखा है तो तुम हमें बताओ। थोड़ी देर में तुम सोचता रहा, फिर बोला पिताजी हमारी नजर में लिखा है, दौलत से भरा हुआ भंडार है, हर जगह उसका व्यवहार है, कोई गैर नहीं है, अपना रिश्तेदार है। ईश्वर को ने बनाई करते रहो, उसका नाम नहीं बताओगे तो कब बोला पिताजी जान ले तो आप ही लेकर तुम्हें ध्यान नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तेरा कोई बात ना, तुम्हें समझ आ गया। सोनी माँ बोली के बहने रुकमैया तू सदा है, रूप जिसका निराला है, काम जिसका आला है, कोई गैर नहीं है, हमारा साला है, और हम अपनी बहन के लिए शादी अपने साले से करेंगे, कैसी रही बस बोलो ना, सुन रही